देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकुशा चिराग पासवान के साथ मिलकर। बिहार में भाजपा करेगी बड़ा खेल। दरअसल बिहार में जिस तरह से चुनाव और भाजपा के बीच नई दोस्ती देखने को मिल रही है, उससे यह साफ है कि यह दोस्ती सिर्फ उपचुनावों तक ही नहीं बल्कि आगे भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी चिराग पासवान इस बार आनन फानन में नहीं बल्कि सोच समझ कर राजनीति कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने के बाद आगे की रणनीति तय की। आपको बता दें कि चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह के बीच पिछले दिनों मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात करीब घंटे भर की रही, जिसमें सहमति बनी कि चिराग पासवान बिहार उपचुनाव 2020 में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं चिराग पासवान ने ही ये साफ किया है कि जल्द ही अमित शाह के साथ उनकी दूसरी मुलाकात होगी, जिसमें बिहार के सियासत की बात होगी। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है, यानी कि आगे की मुलाकातों से चिराग भविष्य की रणनीति बनाएंगे। बात बता दें कि बिहार में जदयू और भाजपा अब एक दूसरे के विरोधी बन चुकी है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू के खिलाफ बीजेपी मैदान में होगी। इसके अलावा चिराग ने भी साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन नीतीश विरोधी पार्टियों से हो। वहीं कभी जदयू ने यह माना था कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में भाजपा और चिराग पासवान की नजदीकी अब बढ़ सकती है। बताते चले कि जदयू का विरोध करते हुए भी चिराग पासवान खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में नीतीश की छत्र छाया में रहते हुए भाजपा में कोई ऐसा बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आया जो मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा बन सके। ऐसे में चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भाजपा चिराग को एनडीए का सीएम चेहरे के रूप में प्रमोट करे। हालांकि विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, ऐसे में देखना यह है कि चिराग पासवान एनडीए में कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के साथ। धन्यवाद।